माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंद ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopal Jai Jai. 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 Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Jagannathar Jaya Jagannathar Jaya Baladevar Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jai Prabhupada.
Ne thai gaura hari bol hari bol hari bol ne thai gaura hari bol जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सता इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री श्रीमद शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत जगद्गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद जी की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोहविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदिरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिरभवती नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दिनतारिणं परमानंदमाधवं
श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। उपस्थित भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भागवतम के सत्र में। हरे कृष्ण। गोपीकांत प्रभु चैप्टर ओके मेरा गर्ल 70 ओके ठीक So we'll all have to recite 16 only. 17-18 only संवाद में हाँ ऐसा 17-18-19-20 ओके ओके तो हमारे साथ रिसाइट करेंगे आप लोग अध्याय 73। शीर्षक है राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद। श्लोक संख्या 16। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय माता जी सुनाए हमारे साथ बोलेंगे कृष्णाय कृष्ण के प्रति वासुदेवाय वासुदेव पुत्र के प्रति वसुदेव के पुत्र के प्रति
हरये। भगवान हरि के प्रति परम आत्मने परमात्मा प्रणत शरणागत क्लेश कष्ट के नाशाय नष्ट करने वाले के प्रति गोविंदाय गोविंद के प्रति नमः नमः बारंबार नमस्कार। हमारे साथ बोलेंगे, हम वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण या हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। वह परमात्मा गोविंद उन सबों के कष्टों को दूर कर देता है जो उनकी शरण में आते हैं। अगले श्लोक को मैं पढ़ूंगा। संस्तुयमानो भगवान राजभिर्मुक्त बंधनै तानाह करुणस्तात शरणं शरण्यः लक्षणया गिरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने भगवान की खूब प्रशंसा की। तब हे परीक्षित, दयालु शरणदाता ने मधुर स्वर में उनसे कहा, श्री भगवान उवाच अद्य प्रवृति वो भूपा मयि आत्मनि अखिलेश्वरे सिदा मैं पढ़ूंगा सुदृढ़ा जायते भक्ति बाणम आसंसितम तथा। भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा तथा ईश्वर में दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जैसे चाहोगे वैसे ही यह भक्ति चलती रहेगी। अगला श्लोक। दिष्टया व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिणः श्री ऐश्वर्यम् श्री ऐश्वर्य मद उन्नोहम पश्य उन्मादकम नृणाम। हे राजाओं, सौभाग्यवश तुम लोगों ने सही निर्णय लिया है और जो कुछ कहा है वह सच है। मैं देख रहा हूँ कि मनुष्य में आत्मसंयम के अभाव से, जो कि ऐश्वर्य तथा शक्ति के मद के कारण उत्पन्न होता है, मादकता ही आती है। अगले श्लोक में। हय हयो नहुषो वेणो रावणो नरको परे रावणो नरको अपरे श्रीमदाद भंसिता स्थानात् देव दैत्य नर ईश्वरः। अनुवाद। हय हय नहुष वेण रावण नरक तथा देवताओं पुरुषों और असुरों के अन्य अनेक शासक अपने अपने ऊंचे पदों से इसलिए नीचे गिरे क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य से मदोन्मत हो उठे थे। श्रीधर स्वामी ने विवरण दिया है, चूंकि हय हय ने परशुराम के पिता जमदग्नि की कामधेनु गाय चुरा ली थी, इसलिए परशुराम ने उसे उसके दंभी पुत्रों सहित मार डाला। नहुष ने जब अस्थाई रूप से इंद्र का पद ग्रहण किया तो उसे गर्व हो आया। जब उसने कुछ ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वे उसे पालकी पर चढ़ाकर इंद्र की सती पत्नी सची के पास अवैध भेंट कराने के लिए ले चलें, तो ब्राह्मणों ने उसे उसके पद से च्युत कर दिया और उसे एक वृद्ध पुरुष बना दिया। इसी तरह राजा वेण भी उन्मत्त था और जब उसने ब्राह्मणों का अपमान किया तो उन्होंने हुम अक्षर शब्द का उच्चारण करके उसे मार डाला। रावण राक्षसों का विख्यात शासक था, किंतु काम के वशीभूत होकर उसने माता सीता का अपहरण कर लिया।
अतः सीतापति भगवान रामचंद्र ने उनका उसका वध कर दिया। नरक दैत्यों का शासक था जिसने माता अदिति के कुंडल चुराने का दुस्साहस किया था, जिस अपराध के लिए उसे भी मार डाला गया। इस तरह इतिहास भर में शक्तिशाली राजा अपने पदों से च्युत होते रहे क्योंकि वे अपने तथा कथित ऐश्वर्य से मदोन्मत्त होते रहे। हरे कृष्णा। तो ये राजा अपने पुण्य कर्म के बल के प्रभाव से इस पद को इन्होंने प्राप्त किया। पुण्य कर्म की देखिए कैसी महिमा है कि पुण्य कर्म के बल से ये सारे राजा बड़े बड़े पद को प्राप्त किए, है ना। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कई लोग बड़े बड़े पदों को प्राप्त करते हैं, हमें शंका होती है कि ये व्यक्ति शायद महान होंगे, ये तो हमसे भी महान है। हम तो कृष्ण भक्ति करते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति करने वालों को कहाँ कोई पद मिलता है ना, जबकि इनकी पद की अवनति होती है। लोग कहते हैं जितना ऊंचा पद कृष्ण भक्ति में मिलेगा उतना ज़्यादा गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दास दासानुदास, उतना ज़्यादा हमें दासत्व ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु जी आपका पद क्या है, आप इतने साल से इस कौन में क्या पद है आपका। हमने कहा ये पद जो है बड़ा विचित्र है, इसके बारे में अगर हम आपको वर्णन करेंगे तो आपको ठीक नहीं लगेगा। तो सबसे ज़्यादा उच्च पद, सबसे ज़्यादा दास का भाव, है ना, सबके दास बने रहेंगे, है ना। अभी तो पद नीचा है तो दासत्व तो थोड़ा कम ग्रहण करना पड़ेगा, जो जो पद उच्च होता जाएगा दासत्व तो की सीमा को लांघना पड़ेगा, है ना। तो ये भौतिक पद को प्राप्त राजागण, इन्होंने अहंकार के वशीभूत होकर सब कुछ भूल गए, है ना। व्यक्ति जब भूल जाता है और लॉयटरिंग, प्रभुपाद जी कहते हैं लॉयटरिंग इन द स्ट्रीट, हालांकि हम भगवान की संतान है, भगवान परमपिता हमारे कौन है, मालिक हैं, सबके मालिक हैं। अगर पिता मालिक है तो संतान कैसे सर्वहारा बनेगा, हाँ, फुटपाथ में क्यों लौटेगा, तरह तरह की कामनाएं वासनाएं वासनाओं को लेकर उसका हृदय जलेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं भगवान के पास हैं। लेकिन भक्त चूंकि अपने अपनी स्थिति को भूल जाता है, है ना। हम सब भगवान की संतान हैं, संतान होने के नाते हमारे अंदर वो गुण हैं, भक्ति के गुण हैं, है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबू नय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो हे उदय, है ना। हमारे हृदय में प्रेम है, सबके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन किस स्थिति में है, सुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है, है ना। तो सोए हुए प्रेम को कैसे जगाना है, चैतन्य महाप्रभु ने यह विधि बताई कलयुग के लोगों के लिए। क्या विधि है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सरल विधि दी है, विधि सरल है, भगवत प्राप्ति भी सरल है, जीवन का उद्देश्य भी समझ में आएगा, लेकिन शरणागति नहीं है। तो शरणागति का अर्थ क्या हुआ कि सारे पद को पोस्ट को हमें क्या करना है, छोड़ना है। सरल है क्या,
पोस्ट छोड़ना, प्रधानमंत्री का पोस्ट, मुख्यमंत्री का पोस्ट, कितने पोस्ट हैं? अगर किसी से आप कहेंगे आप पोस्ट छोड़ दीजिए, हाँ कृष्ण की शरणागति लीजिए, क्या वो स्वीकार करेगा? हाँ नहीं करेगा, क्योंकि माया के वशीभूत होकर जीव जो है इस भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा से अनादिकाल से क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है इस भौतिक जगत में। एई रूपे ते ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कितने कितने ब्रह्मांडों का हम भ्रमण कर चुके हैं, ये स्वीकार नहीं कर सकते हम, लेकिन शास्त्र हमें बताता है। हमारे स्थिति को अगर समझना है तो शास्त्र से समझना होगा, हम किस स्थिति में हैं। हम हर स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, यही अच्छा है हमारे लिए। सुकर जन्म मिले कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। हमें यहाँ से ऊपर नहीं नहीं जाना है, ये अभ्यास हो गया है ना। कष्ट भोग रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कष्ट है कि नहीं है? जन्म का कष्ट है ना, न चाह कर भी हमें किसी माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़ता है। भले ही माँ के गर्भ में हमें पता न चले, जन्म लेने के पश्चात हम पूर्ण चेतन अवस्था में रहते हैं, लेकिन वो पूर्व चेतना हमारी चली जाती है कि उस समय हमारी क्या स्थिति थी, वो अभी शास्त्र में बताता है कि माँ के गर्भ में जीव कितना कष्ट भोगता है, उल्टा लटकता है ना, सर रहता है नीचे और पाँव रहता है ऊपर, और कहाँ रहता है? मलमूत्र के अंदर रहता है। क्या बहुत अच्छा सुखद स्थिति है वो? और कितनी सी जगह है माँ के गर्भाशय में, कितनी सी जगह होती है? वो शिशु बेचारा छटपटाता रहता है, क्या आनंद आता है शिशु को? नहीं नहीं आनंद आता होगा, हमें क्या पता, लेकिन शास्त्र में पता कराता है ना। ये हमारी स्थिति थी, जन्म मृत्यु मृत्यु, बहुत अच्छी स्थिति है। कोई चाहता है मरना? कोई नहीं चाहता। एक वृद्ध व्यक्ति से भी कहिए वो भी जवानी का टैबलेट खाएगा, है ना, अपनी पूर्व जवानी को याद करेगा और भगवान को और सबको लांछित करेगा कि अरे हमें बुढ़ापा क्यों दिया, लोग 100 साल की उम्र में भी अच्छी तरह से घूम फिर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब मेरी अभी उम्र सिर्फ 70 साल की भी नहीं हुई, भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया। इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, किसी भी स्थिति में रहें हमें ये बहुत अच्छा लगता है, सुहाता है, कितने आनंद में हम हैं, हमें अब हमें पता नहीं कि हमारा वास्तविक घर छोड़कर हम आए यहाँ पे, और इसके लिए व्यवस्था भी है कि हम भौतिक जगत में भले ही आए हैं लेकिन भगवान हमेशा कृपालु बने रहे, कभी कृपण नहीं बने भगवान। भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया, हर योनि में भगवान हमारे साथ परमात्मा रूप में विद्यमान हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, हमारी व्यवस्था करते हैं, है कि नहीं? कहाँ से ये चेतना आती है? आहार निद्रा भय मैथुन की जो चेतना है, इसकी जो व्यवस्था है, ये कहाँ से मिलती है हमें? परमात्मा प्रेरणा देता है, लेकिन हमने उनको भुला रखा है ना? इस तरह से भगवान हमेशा हमेशा के लिए करुणामय है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आए कलियुग के लोगों के उद्धार के लिए, इतनी सरल पद्धति देकर गए, हरिनाम संकीर्तन, है ना। अन्य अन्य दूसरे युगों में ऐसा नहीं है, इस भौतिक जगत में जितने भी लोक हैं सारे लोकों के वासी इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। कितनी सरलता से भगवान के धाम में वापस लौटा जा सकता है ना, सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन करने के माध्यम से, भगवान का नाम जप करने के माध्यम से, और कोई कठिनाई नहीं, और कोई विशाल हमें पांडित्य अर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, इतना काम करना है उसको स्मरण करना, भगवान को स्मरण करना,
कितना सरल उपाय है। इसीलिए स्वर्गादि देवता, स्वर्ग के जो देवता, उच्च लोगों के जो देवता है, वह ईर्ष्यान्वित होते हैं कि हम इतने इतने सालों तक यहाँ पर सुख भोग के लिए, ऐश्वर्य भोग के लिए पड़े हुए हम यहाँ, लेकिन फिर हमें आकर नीचे आना है, हमें ये ज्ञात है उनको, है ना। खीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, जब उनका पुण्य क्षीण होगा तो उच्च लोगों से उनका पतन होगा और इस जगत में आएंगे हमारे पास, है ना। लेकिन इतना समय वो भगवान से वंचित रहेंगे। वो जो वास्तविक सुख है, जो सुख हमें भगवान की भक्ति से प्राप्त होगा, वह शांति अगर नहीं मिलेगी तो हम कैसे सुखी होंगे। कोई उपाय नहीं, सुखी रहने कोई उपाय है इस संसार में अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। हर व्यक्ति दिखावा करता, मैं बड़ा सुखी हूँ, है ना। भौतिक जगत में जो लोग भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त किए हुए हैं, आप उनसे अगर पूछेंगे आप कैसे हैं, प्रभु जी कहिए उनको थोड़ा, प्रभु जी आप कैसे हैं, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत आनंद में हूँ, है ना। तो आपको लगेगा अरे ये प्रभु जी, देखिए भौतिकतावादी व्यक्ति भले ही हैं, धन दौलत से मत हैं, तो हमें लगता है कि अरे बड़े सुखी लोग हैं, लेकिन ये धोखा है, प्रवंचना है, वास्तव में सुखी नहीं है, है ना। शून्य के आगे शून्य, प्रभुपाद जी कहते हैं जितने भी भौतिक ऐश्वर्यों को हम प्राप्त कर लें, यह शून्य के साथ एक शून्य का एडिशन होगा। शून्य की कोई कीमत है? जीरो, इट्स हैविंग एनी वैल्यू? नहीं, शून्य का कोई मूल्य नहीं। लेकिन उसका मूल्य कब बढ़ जाएगा? जब उसके सामने कृष्ण रूपी एक, उनको अगर हम रखेंगे तो एक शून्य बढ़ेगा तो दस गुना हो जाएगा, उसका मूल्य दस गुना हो जाएगा। तो इस तरह से राजाओं की स्थिति थी, जब तक वो भगवान की शरणागति को प्राप्त नहीं किए तब तक अंधेरे में रहे। आज उनको एहसास, उनको ज्ञात हुआ कि इतने इतने सालों के बाद हम वास्तव में वास्तविक जीवन को प्राप्त किए हैं। ज्यों ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, है ना। भगवान तो हमेशा कृपा वर्षित करते हैं, लेकिन हम कृपा को ग्रहण करने की पात्रता नहीं रखते। भगवान हमें पात्रता की योग्यता देने का अवसर देते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, हर स्थिति में हम सुखी हैं, है ना। कितनी समस्याएं हैं लेकिन कोई समाधान नहीं चाहता, जैसे हैं ठीक ही तो हैं। इतने भारी भारी कार्य करने की क्या आवश्यकता है, हमारे ऑलरेडी इतने भारी कार्य हमारे सर के ऊपर बोझिल बने हुए हैं, ऊपर से हरे कृष्णा। अगर हरे कृष्णा करते हैं तो हमारा ये बोझ कम होगा न बढ़ जाएगा। भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, एक बुढ़िया वृद्धा महिला थी, सर के ऊपर गट्ठर बांधे हुए और चल रही थी घर की ओर, लकड़ी का गट्ठर, बहुत भारी गट्ठर, उसके लिए असहनीय है, सहन नहीं कर पाए लेकिन चल रही है। किसी तरह से उसके गट्ठर से, सर से गट्ठर गिर गया और आर्तनाद होकर भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान ये क्या हो गया। क्योंकि जंगल के अंदर इतनी भारी गठरी को लेकर जा रही थी, अब वाला कौन उठाएगा उस गठरी को। उसने बहुत परिश्रम करके उस गठरी को बांधा और किसी तरह से उसको अपने सर पर लादा। अब वो आर्तनाद होकर चिल्ला रही है, क्या कह रही है, हे भगवान बचाओ। तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए। उस बुढ़िया वृद्धा बेचारी ने क्या मांगा भगवान से, कहो तुम्हें क्या तकलीफ है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, उनके सामने भगवान प्रकट हैं। तो वृद्धा क्या कहती है, इस लकड़ी की गट्ठर को पुनः मेरे सर के ऊपर लाद दो। तो बुढ़िया की समस्या का समाधान हुआ क्या?
भगवान से अगर कुछ भी मांगती वो बुढ़िया तो उनको मिल जाता, लेकिन मांगना भी आना चाहिए। हमें मांगने के लिए भी शास्त्र को आधार बनाने की आवश्यकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जब तक हम शास्त्रों का श्रवण नहीं करेंगे, भक्तों के श्रीमुख से जब हम कृष्ण की बात नहीं समझने का प्रयास करेंगे, कृष्ण के उपदेश को इग्नोर करेंगे, तो क्या होगा, ये गट्ठर हमारा बढ़ता जाएगा, सर का गट्ठर, हम बोझ से लद जाएंगे, कोई उतारने वाला नहीं मिलेगा। इनको तो चढ़ाने वाले मिल गए, लेकिन वो बोझ उतारने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। प्रभु जी हमने बहुत किया, अब इसको कम करने की इच्छा है, लेकिन ये कम नहीं होता है, ये गम है। किसका गम है? अब ये कम नहीं, पहले तो हमने खूब वृद्धि की। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधियते, है ना। जितने ज्यादा हम भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहेंगे, भगवान हमारे समीप रहेंगे। गोपीकांत प्रभु भगवान समीप आएंगे हमारे, अगर भोग ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, भगवान हमसे हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना। भगवान के पास समय है क्या? है उनके पास समय? कितने बिजी हैं भगवान, उनका कितना बड़ा परिवार है, उनका परिवार का अर्थ क्या हुआ, सभी उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जो उनमें आसक्त है भगवान उसके प्रति ज्यादा क्या है, क्या है उनके प्रति ज्यादा, हाँ। तो कितना बड़ा परिवार भगवान का है, भगवान के पास भी समय नहीं है। तो भगवान ने इन राजाओं के प्रति सदैव, भगवान इन राजाओं के प्रति सदैव हुए, और इन राजाओं ने भगवान के दर्शन मात्र से ही अपनी इच्छा को व्यक्त किया। संसार के सारे सुख, जो भौतिकतावादी व्यक्ति सारे सुख की कामना करते हैं, वासना करते हैं, इन सारे सुखों को उन्होंने क्या किया, तिलांजलि दे दी। यही वास्तविक सुख है, भगवान की पूर्ण शरणागति। इस तरह से भगवान ने उनके ऊपर विशेष कृपा की और कहा कि जब तक तुम चाहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर परिस्थिति को मैं संभालूंगा, किसी भी परिस्थिति में तुम हो, अगर तुम हमें स्वीकार करते हो तो मेरे लिए, मैं अपने दोनों बाहों को आपके सामने बढ़ाता हूं, यू आर मोस्ट वेलकम। आध्यात्मिक जगत में हमारी भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना, दोनों हाथ बढ़ाकर, लेकिन हम तैयार नहीं, अभी बहुत समय है हमारे हाथ में, बहुत काम बाकी है, है ना, तैयार नहीं। तो इस तरह से यह अध्याय इन राजाओं को मदमत्त होकर अपनी जो स्वाभाविक स्थिति थी उनसे भगवान ने उनको अवगत कराया, इस तरह से उनको शरणागति प्राप्त हुई और भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद प्रदान किए। हरे कृष्णा। टाइम हो गया, पता नहीं जल्दी समय हो गया, मैं थोड़ा एक कीर्तन गाऊंगा। यस, कोई प्रश्न है किसी का? 9:40 तक है, ओके, ठीक है, तो अभी 15 मिनट समय है हमारे यहाँ। ओके, तो ये 16वां श्लोक
कंठस्थ करने के लायक है, है ना। बहुत अच्छा और सरल श्लोक है और बहुत तात्पर्यपूर्ण है, है ना। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मा ने कह रहे कि उस हरि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ जो सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। कौन? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, है ना। ऐसे वासुदेव की शरणागति की बात कह रहे हैं यहाँ पे, है ना। किसकी शरण में जाना है? वासुदेव कृष्ण, जिन्होंने अवतार लिया है, स्वयं अवतारी अवतार लेकर आए हैं इस जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए। भगवान ने ब्रज में अद्भुत लीलाएं की। इन ब्रज की लीलाओं का जो वर्णन श्रीमद् भागवतम में हम सुनते हैं, वास्तव में ये भागवत की कथा, भगवान की लीला कथा हमारे हृदय को शुद्ध करती है, है ना। जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक हम भगवान की शरणागति को नहीं प्राप्त हो सकते, है ना। हृदय के अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं और इन अनर्थों की निवृत्ति कैसे होगी? ना वासुदेव की शरणागति के माध्यम से, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर 6 प्रकार की शरणागति की बात कहते हैं, है ना। आप सब भक्तों को पता होगा, दैन्य दैन्य आत्मनिवेदन गोपतृत्य वर्ण, है ना। अवश्य रखी वे कृष्णा विश्वास पालन, ये कैसे आएगा? पहले 3 जो स्टेप हैं वो आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या दैन्यता, है ना। दीनहीन जत छिलो हरि नामे उद्धारी लो, दीनहीन इनका उद्धार हुआ, है ना। अहंकार मत होया, जो अहंकार में मत हैं उन्होंने भगवान के चरण कमल को क्या किया है? अस्वीकार किया है, है ना। तो इस तरह से दैन्य आत्मनिवेदन, जो भी कुछ है, मानस देहो गेहो जो किछु मोर और पिन्नु त्वापदे नंद किशोर, यह स्थिति होनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए ना। कम से कम मन, कम से कम नहीं, बहुत ज्यादा से ज्यादा मन की बात है। अगर मन भगवान के चरण कमल में शरणागत हो गया तो फिर सारी इंद्रियां उनके पीछे पीछे चलेंगी, क्योंकि मन जो है सारी इंद्रियों का स्वामी है, है ना। इसीलिए मन को वशीभूत करना सबसे कठिन है, है ना। मन मना भवा मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, तो सबसे पहले मन की बात कही, भगवान भी कह रहे हैं ना, लेकिन बड़ा कठिन है। अरे मन कैसे हम भगवान को लगाएं? मन तो कहीं और लगा हुआ है, कई कई जन्मों से लगा हुआ है, है ना। इस जीवन में पूर्ण मन हमारा कहीं और लगा हुआ है, पूर्णतया ये नहीं होगा। मन मना भवा, तो बोले कोई बात नहीं, मेरे भक्त बनो, मद भक्त हो, उससे सरल है ना। भक्त बनना मतलब जो कुछ आदेश हमें मिलता है उसका हमें पालन करना है, चलो ये कर लो। मद भक्त हो ये भी बड़ा कठिन है, कठिन है ना। ये करो वो करो ऐसा करो, ज्यादा कुछ करने के लिए कहा गया? भक्ति करने के लिए भगवान के नाम का जप करना है, कुछ छोटा मोटा विधि निषेध है जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। नशा नहीं करना, नशा करना अच्छा है क्या? ये निषेध है। ताश जुआ पासा नहीं खेलना, ये निषेध है, ये अच्छा है ना हमारे लिए? अगर भौतिक जीवन भी जिएंगे, अगर इसके साथ चलेंगे तो हमारा मन जो है स्थिर रहेगा, नहीं तो दफ्तर में निकलेंगे
निकलने के साथ ये सब बातें साथ साथ चलेंगी, है ना? है? नशा, ताश, जुआ, पासा और क्या, ऐसा भोजन ग्रहण करें ताकि हमारा जो कुछ डालें वो अंदर बाहर आता है ना। जामुन बंगला में क्या कहते हैं, जामुन खावे अन्नो तामुन हवे मौन, ऐसा कुछ हा? जैसा हम खाते हैं, अगर हम अमेध्य खाना खाएंगे तो हमारे विचार भी कलुषित होंगे ना, है ना? आहार अगर शुद्ध है, यहाँ भगवान का प्रसाद मिलता है, प्रसाद खा के हमको तृप्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? किन किन को लगता है कि प्रसाद खाने से तृप्ति मिलती है? कोई ऐसे भक्त हैं जो कहते नहीं प्रसाद खाने से हमको तृप्ति नहीं मिलती? आप सभी भक्त हैं इसीलिए सबको तृप्ति मिलती है, हाँ। अगर थोड़ी बहुत नहीं भी मिलती हाथ तो उठाना ही पड़ेगा नहीं सभी तृप्त होते हैं, हमें मिलते हैं। भक्त लोग कहते हैं कि इस्कॉन में हमें खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, हाँ? बताइए खिचड़ी क्यों अच्छी लगती है? अमृत की तरह है, भगवान को ऑफरिंग किया जाता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं खिचड़ी को, फिर भक्त लोग उसको वितरण करते हैं और बड़े प्रेमशील भक्त लोग उसको ग्रहण करते हैं आनंद के साथ, है कि नहीं? खिचड़ी में इतना आनंद है। तो यहाँ पे तो बहुत तरह का भक्त लोग भगवान के भोग के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अच्छा अच्छा भोग लगता है, चाव से भक्त लोग खाते हैं आनंद के साथ और फिर नित्य कीर्तन करते हैं। तो दैन्य आत्मनिवेदन गोप तृतीय वरण, जब ये सारे कार्य होंगे तो हमारे प्रभु कौन रह जाएंगे? एकमात्र कृष्ण ही हमारे प्रभु रहेंगे और दूसरे कोई प्रभु नहीं है। शास्त्र यही कहता है, PhD लेवल का शास्त्र कहता है, क्या कहता है? एकला ईश्वर कृष्ण आर सब और उससे भी सरल पंथा इस कलयुग में क्या है, भगवान से अभिन्न है भगवान का पवित्र नाम, और भी सरल। भगवान आएंगे तो उनकी सेवा पूजा करनी होगी, है ना? बहुत कुछ करना होगा। अगर हमारे घर में भगवान आ जाए तो विग्रह गला ग्रह बन जाता है ना, गला ग्रह क्या बोलते हैं, गला ग्रह, सेवा पूजा करनी होती है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान का जो नाम है उनकी सेवा कैसे है? सिर्फ मुख के उच्चारण, सिर्फ उच्चारण मात्र से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फ्री, कोई खर्चा नहीं। लगता है प्रभु जी ऐसा है, खर्चा तो बहुत है, है ना? परिश्रम लगता है, परिश्रम होता है ना? नाम के जप में भी परिश्रम लगता है, इसीलिए हमें नाम जप में जब परिश्रम लगे तो हमें भक्तों का संग करना होगा, तब सरल होगा। अगर भक्तों के संग में हम हरिनाम करेंगे तो ये हरिनाम जपना सरल हो जाएगा, नहीं तो कठिन बना रहेगा। मायापुर में एक बार किसी माताजी को किसी भक्त ने प्रसाद दिया और उनको कहा कि माताजी बोलिए हरे कृष्णा, बोलो न हरे कृष्णा। वो माताजी कहती हैं कि देवर हाय दाओ ऐतो कथा बोलते पारबो ना रे बाबा, देना है दीजिए, इतनी बात हम नहीं बोल पाएंगे। ये हरे कृष्णा बोलेंगे उसके बाद प्रसाद मिलेगा, क्यों? भक्त संग नहीं है, क्योंकि हरि नाम की महिमा कब उजागर होगी? जब हम भक्तों का संग करेंगे, साधु शास्त्र गुरु हरे कृष्णा। आज हमारे कॉम्प्लेक्स के प्रभु भी आ गए सुरजीत प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। हम जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं प्रभु जी हमारे कॉम्प्लेक्स में, इनका बेटा यहीं पढ़ता है
और भाग्यवश देखिए चूँकि पढ़ता है बच्चा इनका, तो मंदिर में दर्शन के लिए आ गए, हरि कथा भी श्रवण कर रहे हैं। थैंक यू। तो ठीक है, मैं और समय है, हो गया, ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है किसी का? अगर कोई प्रश्न है, 5 मिनट समय है हमारे पास, है थोड़ा हम कीर्तन कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं। गौरांग बोलते हबे पुलक शरीर, देखिए हमें बहुत बढ़िया गाना नहीं आता है लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए सुनते सुनते मैं गाना भी शुरू कर दिया। श्रवण करने से थोड़ा कीर्तन करना अच्छा लगता है। गौरांग बोलते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलते नयने बबे नीरा, गौरांग गौरांग बोलते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलते नयने बबे नीरा, কবে নিতাই চাঁদে করুণা হইবে, সংসার বাসনা মন কবে তুচ্ছ হবে, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরিব শ্রী বৃন্দাবন, রূপর ঘুনাথ পাবে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝব সে যুগল প্রীতি, রূপর ঘুনাথ পাবে
रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरतम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैभ पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो अनंतकोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे कृष्ण कृष्ण